हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सीखो में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पे देख लिया हो कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जियो से बेस्ट और सस्ता शायद ही कोई कंपनी प्लान लेकर आ सकती है, लेकिन दोस्तों बीते कुछ दिनों में कंपटीशन काफ़ी अधिक है और जियो को देख देख दोस्तों जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने अपने प्लान को काफ़ी सस्ते कर दिए हैं, जिससे कि दोस्तों उनका यूजर बेस बना रहे। दोस्तों, अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर आपने कभी 149 का रिचार्ज कराया होगा तो उसमें आपको जितने बेनिफिट मिलते हैं सेम दोस्तों वही बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों फ़र्क इसमें यह है कि आपको इसमें सिर्फ 20 रुपये का जो है कमी देखने को मिलता है और कुछ नहीं है दोस्तों। सेम आपको वही मिलता है दोस्तों, आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और 28 दिन वैलिडिटी मिलने के साथ आपको 1.5 GB पर डे मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग, और पर डे आप 100 मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो प्लान है ये दोस्तों वोडाफोन कंपनी ने लॉन्च किया। दोस्तों वोडाफोन का प्लान दोस्तों अगर हम देखें बीते पिछले वाले दिनों में दोस्तों तो उसका प्लान दोस्तों काफ़ी महंगा था, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसने अपने प्लान को डाउन की, क्योंकि दोस्तों अगर डाउन नहीं करती तो उसका यूजर बेस जो है घट रहा था। तो दोस्तों ये है दोस्तों इसमें लिखा है वोडाफोन का वो जबरदस्त प्लान जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों आपको 129 के प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और जो है आप 2800 लोकल एंड नेशनल SMS यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसे पढ़ने के लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है जहाँ पे आप क्लिक कर पढ़ सकते हैं। और 3G 4G डाटा जो है स्पीड के जरिए ये जो है प्लान चलेगा। और दोस्तों लेकिन दोस्तों इस प्लान में एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये प्लान कुछ ही शहरों में लॉन्च है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में पूरे इंडिया में लॉन्च हो जाए। अब ये वोडाफोन कंपनी ऐसा क्यों कर रही है वही जाने, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लान है किन किन शहरों में लॉन्च है। दोस्तों ये प्लान दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चेन्नई, झारखंड और भी कुछ शहरों में लॉन्च है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने वोडाफोन कस्टमर केयर पर कॉल करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ये बताइए कि आपके शहर में ये प्लान है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।